लो अपना दोस्त, यही है ना दोस्त तुम्हारा? तुम ठीक कह रहे थे, सही कह रहे थे कि ये दोस्त हमारी जिंदगी कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं रिलेशनशिप में झूठ बोलने का आदी नहीं। अच्छा, और जब तुम अलीना के साथ होते हुए मुझसे छुप छुप के मिलते थे, मोहब्बत करते थे, वो रामा जो बात करनी है तुमसे। बोलो। देखो, मैं आइंदा पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा अलीना से कोई रابطہ ना हो, लेकिन अगर फिर भी मेरी कोई बात हुई तो मैं लाजमी तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम प्रॉमिस करो इस तरह घर छोड़कर नहीं जाओगी। ये कोई तरीका नहीं है, सारी रात तुम्हें ढूंढता रहूं, फोन करता रहूं, हद होती है नाराजगी की, जिद की। तुम ठीक कह रहे हो, मैं नाराज भी हूं और जिद्दी भी। ठीक है, अगर तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे तो जवाब में मैं भी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी। एक बात क्लियर है सादान, अगर तुम अपनी मनमानी करोगे तो मेरे पास भी बहुत चॉइसेस हैं। जस्ट कीप दैट इन माइंड। ऑप्शंस क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि अगर अलीना तुम्हारी जिंदगी में रही तो मेरे माजी के भी दोस्त हैं जो हर वक्त मेरा हाथ थामने को तैयार है, और अगर तुम अलीना को नहीं छोड़ोगे तो मेरे पास भी चॉइस है कि मैं जब चाहे जिसका चाहे हाथ थाम लूं। तुम क्या फजूल बात कर रही हो? वफा करोगे तो वफा करूंगी, जफा करोगे तो जफा करूंगी। तुम्हारे जैसे हूं, जो तुम करोगे वो मैं करूंगी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस वक्त? मैंने मना नहीं किया था। सालन, सिद्रा की तबीयत बहुत खराब है, 104 बुखार था उसे। तो आप फोन नहीं उठाए थे? मैं कब से फोन कर रही थी, और ड्राइवर भी नहीं था। आज दोनों बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी। कितना जरूरी था सादाना आपका वहाँ पे होना, लेकिन ना ही आपने कॉल बैक किया ना फोन उठाया। अगर हम में से कोई मर जाए तो फिर क्या होगा? कोई मरता है मेरी बला से तो मर जाए। अलीना, मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझे तुमसे और तुम्हारे घर से कुछ लेना देना नहीं है। तुम देख नहीं रहे कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एक पुराने सामान की तरह किसी कोने में डाल दिया मुझे इस घर में। तुम्हें क्या हो गया सादान? तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूं, ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। तुम सुनते भी नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूं। सुन रहे हो? सुन रहा हूं मैं, सुन रहा हूं क्या बकवास कर रही हो? बहरा नहीं हूं मैं। बकवास कर रही हूं? बकवास ही कर रही हो तुम, क्योंकि तुम्हारी आदत है बकवास करनी। यही सलूक होगा तुम्हारे साथ। अगर मेरे साथ जबान चलाओगी, बदतमीजी करोगी, तो ऐसे ही सलूक करूंगा मैं। एंड यू डिजर्व दिस। रात नैना क्यों आई थी? नैना मेरी कजन है, बहनों जैसी, और वैसे भी अम्मी के लिए कुरान शरीफ पढ़ने आई थी। वो तुम्हारी कुछ भी लगती हो, लेकिन वो नखील की बीवी है और मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे जुड़े किसी भी शख्स को इस घर में आने की इजाजत नहीं। सादान प्लीज, तुम मेरी बात एक ही बार में समझ जाया करो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना अपनी बेइज्जती की जिम्मेदार खुद होगी। चिल्लाना बंद करो वरना जबान कैच लूंगा तुम्हारी। तुम नखील के साथ मिलके जो खेल खेल रही हो ना, सब जानता हूं मैं। तबीयत साफ कर दूंगा तुम्हारी भी और तुम्हारी कजन की भी मैं। और भी गिफ्ट है या कहीं और भी कोई रखे हुए? जी मम्मी, बस यही गिफ्ट है। ये सारे तुमने सिद्रा को देने? चलो भाई जल्दी करो, स्कूल जाना, लेट हो रहे हैं। पता नहीं यहाँ से अब कोई टैक्सी मिलेगी भी या नहीं। हरी अप, फिनिश इट। मम्मी हम स्कूल से लेट हो जाएंगे। मम्मी आज सिद्रा का बर्थडे भी है, वो नाराज हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, हम जल्दी पहुँच जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। मम्मी गार्ड अंदर आने नहीं देगा, 8 बजे वो दरवाजा बंद कर देता है। कहा ना, हम पहुंच जाएंगे बेटा, कोई मसला नहीं है। वो देखो एक रिक्शा भी आ रहा है। नहीं मम्मी, मैं रिक्शा पे नहीं जाऊंगी। ये क्या बात है निम्रा? मैं कार या फिर टैक्सी में चली जाऊंगी, लेकिन रिक्शे पे नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे नहीं, बुरी बात है। आपको पता है कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल्स पे आते हैं?
मेरे स्कूल में कोई रिक्शे पे नहीं आता, और अगर कोई रिक्शे पे आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। अच्छा मेरी बात सुन, तुम्हें पता असल चीज इंसान का टैलेंट और अपना कैरेक्टर होता है। तुम इतनी अच्छी बच्ची हो, इतनी मेहनत करती हो, इतने अच्छे नंबर लेती हो, ये चीजें इम्पोर्टेंट है बेटा। गाड़ी छोटी हो या बड़ी इससे क्या फर्क पड़ता है? मम्मी मगर आ जाओ। मम्मी तुम्हें पता है हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे। इमन भी थी और मम्मी भी थी और मैं भी थी, मगर पापा ने मुझे आने ही नहीं दिया। आई नो, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मम्मी ने तुम्हें बहुत कॉल्स की थी। तुम्हें पता है सब आए हुए थे, इकरा, मंतुषा और दुआ भी, मगर मैं तो नहीं थी ना वहाँ। आई नो सिद्रा, हमने तुम्हें बहुत मिस किया था। और तुम्हें पता है मम्मी ने तुम्हारे लिए स्पेशल केक भी बनाया था। मगर मैंने तो केक नहीं काटा ना, फिर मेरी बर्थडे कैसे हुई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए केक लाई हूँ ना, हम अभी बर्थडे बना लेते हैं। दिखाती हूँ, ये देखो तुम्हारा स्पेशल केक। अच्छा लगा ना, अभी दिखाती हूँ। अब हम इस केक को काटेंगे, सही है? ये है प्लेट्स और ये है नाइफ। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Sita, happy birthday to ये क्या बात है निम्रा? मैं कार या फिर टैक्सी में चली जाऊंगी, लेकिन रिक्शे पे नहीं जाऊंगी। बेटा ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। आपको पता है कितने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मोटरसाइकिल्स पे आते हैं? मेरे स्कूल में कोई रिक्शे पे नहीं आता, और अगर कोई रिक्शे पे आता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। या अल्लाह, कितनी डिस्टर्ब थी मेरी बच्ची। छोटी सी तो है, जब से आंख खुली है गाड़ियों पर सफर किया है, जिंदगी के उतार चढ़ाव को क्या समझेगी ये। लेकिन क्या करूं, किसी सूरत गाड़ी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकती अभी।
जॉब को भी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, गाड़ी की बात करूंगी तो नौकरी से निकाल देंगे। सदान तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुमने मेरे साथ जो किया है सो किया है, लेकिन अपनी बच्चियों के साथ क्या किया तुमने। फोन उठाओ सदान, प्लीज फोन उठाओ। पता नहीं सिद्रा की कैसी हालत होगी, कितनी खुश थी वो यहाँ पे आने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए। उसका छोटा सा दिल, क्या होगा उसका। टू मच, फोन पे फोन काटे जा रहा है और मुझे बताने को तैयार ही नहीं है कि सिद्रा क्यों नहीं आई। अपनी किसी बात पर तो कायम रहा करेगी, लेकिन सिद्रा के मामले में मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी सदान, नहीं भागने दूंगी। नो, क्या बदतमीजी है ये, किस तरह खा रही हो तुम। सॉरी, मेरी टेबल बर्बाद कर दी। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे अंदर, एक लगाओ मैं तुम्हें। क्या हुआ बेगम साहबा, क्या क्या हुआ, दिख नहीं रहा है तुम्हें क्या हुआ है, गंद हुआ है। मैं भी साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, समझ में आई है, जिसने गंद किया है वही साफ करेगा। जाओ कपड़ा लेके आओ। मैं लेकर आती हूँ। मैंने सोचा था एटलीस्ट बड़े घर के बच्चे तो तमीज के होंगे, कोई तरबियत होगी, कोई कुछ मैनर सिखाए जाएंगे। ओए, तुम झाड़ो, फौरन झाड़ो। उसको दो, वो साफ करेगी, वो साफ करेगी। चलिए महारानी साहिबा, लग जाइए, आइए सफाई सिखाऊं आपको। वैसे तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं होगा तुम्हें। बड़ी फ्रेंच फ्राइज खाएंगी, टीवी देखेंगी, कार्टून्स, हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए ही रे। फिर लग गई तुम। सुनाई नहीं देता इस घर में, मेरी बात किसी को नहीं सुनाई देती क्या। दे सफाई करो, चलो साफ करो अच्छी तरह। रोती रहे, कोई तरस नहीं आता मुझे तस्वे बहाने से। उठोगी लेके जाओ, उठो उठो और अपने रूम में चलो, अपने रूम में चलो, जाके होमवर्क करो। होमवर्क किया है नहीं किया ना, उठो। फ्रेंच फ्राइज खाएंगी। ये क्या है, ये कहां से लेके आई हो? चोरी करके लाई हो? नहीं, चोरी नहीं है। चोरी नहीं, शर्म नहीं आती है, तुम चोरी करती हो? तुम्हारे बाप ने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए और तुम्हारी माँ के लिए। ये तरबियत है भाई, चोरी कर करके बच्ची ला रही है घर पे चीजें। चलो, मैंने चोरी नहीं किया, कुछ नहीं सुना मुझे। चलो अंदर, अंदर चल के होमवर्क करो। राहिला जी, ये सामान उठाओ और जाके मेरे कमरे में रखो, पता नहीं कहाँ से महारानी चुरा के लेके आई है। मैंने चोरी नहीं की है। अंदर चलो, अंदर चलो, फौरन जाके होमवर्क करो। पूरा दिन कमरे में रहना, हर वक्त रोना धोना, तस्वे बहाना। तुम हर वक्त मेरी खड़ियों की शक्ल ही देखा करो है, क्या क्या देखते रहते हो तुम लोग। सुन पार्टी, उठाओ ये, उठाओ, लेके चलो इसको मेरे कमरे में। हर कोई स्लो है भाई इस घर में, पागल लोग, पागल।
मैम आप कहाँ जा रही हैं? मैम रुके, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकती मैम। I'm sorry सर, मैंने इन्हें मना किया था लेकिन फिर भी ये। ठीक है आप जाइए, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। I'm in a meeting। मुझे अपनी बेटियों के बारे में बात करनी है, तुम्हारी मीटिंग से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लोग जाइए, मैं दोबारा बोलूं। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है। जब तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मैं और क्या करूंगी? मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ कि तुम्हारी हर कॉल उठाऊं, और ना ही तो मेरी बीवी हो जो तुम्हारा मुझ में राइट है। सही कहा तुमने, मैं यहाँ पे कोई राइट जताने नहीं आई। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिद्रा के बारे में बात करने आई हूँ। उसकी बर्थडे थी कल, एक नन्ही सी बच्ची का दिल तोड़ दिया तुमने। निम्रा और मैं कितनी तैयारियां करके बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, और ना ही तुमने मेरा फोन उठाया, ना ही उससे बात कराई मेरी। घर में कुछ हो गया था जो नहीं भेज सका सर। तुम तो यही कहोगे कि कोई एग्जाम थोड़ी था या कोई एनुअल डे का फंक्शन थोड़ी था जो मिस हो जाए तो साल जाया हो जाएगा। तुम इतने बदकिस्मत हो सादान, यही तो उनके खेलने कूदने के दिन है। बाद में तो वो बड़ी हो जाएंगी, एक मैच्योर लाइफ में आ जाएंगी, माँ बाप की तरह मुसीबतें तो नहीं झेलेंगी ना जिंदगी में। ठीक कह रही हो तुम, मैंने बहुत मुसीबतें झेली है तुम्हारे साथ, और ना मैं इन मुसीबतों की और ना तुम्हारी किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती सादान। तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो लीना, बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा मैं। और मजीद क्या बुरा पेश आओगे मेरे साथ? कितना बुरा तो कर चुके हो मेरे साथ, मेरा दिल तोड़ दिया तुमने, और अब तुम मेरी बच्चियों का दिल तोड़े, इतने गिर सकते हो तुम? What do you want? जो कहने आई हो कहो और जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच में एक कमिटमेंट हुई थी कि हम निम्रा सिद्रा को मिलने देंगे, चाहे बर्थडे हो, कोई इवेंट हो, कुछ हो। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, वादा खिलाफी की, और मैं सिर्फ ये बता रही हूँ तुम्हें कि आइंदा अगर तुमने ऐसी हरकत की मेरी बेटियों के साथ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं वार्न करके जा रही हूँ तुम्हें। सिद्रा बेटा, अभी तो आपको बताया है कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं। ध्यान कहाँ रहता है आपका? ना स्कूल का होमवर्क किया आपने, ना मैंने जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया। ऐसे तो आप फेल हो जाओगी, लगता है मम्मा से शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। क्या हुआ मिस नादिया, खैरियत है? अरे मैम, मैं बस आपके पास ही आने वाली थी बात करने। एक्चुअली सिद्रा का ध्यान पता नहीं आजकल कहाँ रहता है, ना होमवर्क करती है ना मेरी बात सुनती है। ऐसे तो इसके रिजल्ट्स पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। क्यों सिद्रा, क्या कह रही है मिस नादिया? तुम काम नहीं करती? हर वक्त ये टैबलेट्स पे या कार्टून देखती रहती है। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, इसका ना एक ही तरीका है, इसका ना कान मरोड़ा करें, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बताओ बताओ क्यों शिकायत कर रही है तुम्हारी मिस तुमसे? हाँ बताओ। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है बिल्कुल, ये दिन ब दिन बदतमीज होती चली जा रही है। रोज कोई नया तमाशा, रोज कोई नया नुकसान। इसने आज सुबह केचप पूरी मेज पे गिरा दिया और सत्यानाश कर दिया हर चीज का। क्या चाहती हो तुम? हाँ रो रो के जस्ट शट अप। अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिद्रा के बारे में बात करने आई हूँ। उसकी बर्थडे थी कल, एक नन्ही सी बच्ची का दिल तोड़ दिया तुमने। निम्रा और मैं कितनी तैयारियां करके बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे।
रमा, रमा जी साहब, वो बेगम साहबा घर पर नहीं है। कहाँ गई? साहब उनके पापा की तबीयत खराब थी तो उनके पास कोई नहीं था, तो उनको दवाई देकर आ रही हैं। डॉक्टर को दिखाना था शायद। ओ, ये गिफ्ट पैक्स कहाँ से है? जी साहब वो जो कमरे में पड़े। हाँ जी साहब, वो साहब वो ना, क्या पूछ रहा हूँ बताओ ना, कहाँ से आए गिफ्ट पैक्स? साहब वो सिद्रा बीबी स्कूल से लाई थी। अच्छा, तो दोस्तों ने दिए होंगे, अगर इतने ज्यादा। साहब वो निम्रा बीबी लाई थी, सिद्रा बीबी की सालगिरह थी ना, तो सिद्रा बीबी बता रही थी कि उनके फैमिली के दोस्त उनकी सहेलियां लाई थी। लेकिन ये मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? उठा के रखो सिद्रा के कमरे में। साहब वो ना, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या हो गया तुम्हें? जो बात करो साहब ये क्या बात है? साहब वो बेगम साहबा ने ले लिए थे सिद्रा बीबी से और अपने कमरे में रख लिए थे। क्यों? साहब वो मैं क्या कह सकती हूँ साहब। ठीक है जॉर्ज। ठीक है। समझे? सो रही हूँ। आप जाग रहे? जब आप आए थे मुझे पता चल गया था कि आप मुझे प्यार करेंगे। आपके बाबा आपको बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है आप जब अक्सर सो जाते हो तो रात में आके बाबा आपको ढेर सारा प्यार करते हैं। अच्छा बाबा जी। अच्छा ये देखो, आपके लिए कितने सारे टॉयज आए हैं बर्थडे गिफ्ट में। आप ये क्यों ले आए? हाँ तो क्या हुआ, ये सब आपके प्रेजेंट्स हैं। ये तो रमांडी ने अपने पास रख लिए थे ना, वो मुझे। आपको क्या? वो मुझे। क्या बात है बेटा बोलो। वो मुझे डांटेंगी और नाराज होंगी। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ठीक है? कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बात करूंगा उनसे, वो आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ये सारे टॉयज आपके हैं, आपका जितना जी चाहे इनसे खेलो, खूब एंजॉय करो। चलो अब आप सो जाओ, कल कल स्कूल भी है ना, ठीक है? मैं आपके टॉयज रख दूंगा। शाबाश। ऑलराइट, ओके। ये यहां पर पड़े आपके टॉयज। सॉरी, कल मैं इतना बिजी था कि आपको बर्थडे का प्रेजेंट नहीं दे सका। ये आपके प्रेजेंट के पैसे मैंने यहाँ रख दिए, ठीक है? आपको जो पसंद हो आप अपनी मर्जी से ले लेना, ओके? ऑलराइट, चलो सो जाओ। थैंक यू बाबा। यू आर वेलकम बेटा। गुड नाइट। महिला, महिला जी साहब,
ड्राइवर से कहना कल सिद्रा को अलीना बीबी की तरफ ले जाए। साहब वो अलीना बीबी की तरफ? तो इसमें इतना हैरत वाली क्या बात है, झुकाए वो सुनो। जी साहब। अगर रमा मैडम पूछे तो कह देना साहब ने कहा था। और ड्राइवर से कहना कि वहीं रहे जब तक सिद्रा वहां पे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, वापसी पर साथ लेकर आए। जी साहब ठीक है। और से कहना ज्यादा देर ना करे, कोशिश करे मगरिब तक वापस आ जाए। जी साहब मैं बोल दूंगा। हेलो आशा, हाउ आर यू? मम्मी 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 सिद्रा मेरा बच्चा आ गया। सिद्रा हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे तुम्हारी बर्थडे पर तुम्हें पता है सब आए हुए थे। जी हमने आपको बहुत मिस किया, मगर कोई बात नहीं, हम फिर से आपकी बर्थडे मना लेंगे आज। मगर मम्मी आज मेरे फ्रेंड्स तो नहीं होंगे ना? ओहो तो क्या हुआ, मैं होंगी, निम्रा होगी और सिद्रा भी होगी। अच्छा अब हम नकील अंकल को बुलाते हैं और एमन को बुलाते हैं और उनके साथ कहीं जाते हैं। आगे जा पापा का है। बर्थडे गर्ल का क्या हाल है भाई? हैप्पी बर्थडे। अच्छा भाई अब जल्दी जल्दी बताओ क्या प्लान्स है? हम सिद्रा का केक दोबारा से काटेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम सिद्रा का केक दोबारा से काटेंगे लेकिन घर में नहीं बाहर सिंदबाद जाएंगे। इनफैक्ट हम सिंदबाद पे जाएंगे, वहाँ पे जाके सारी राइड्स लेंगे और उसके बाद हम खाना खाने कहाँ जाएंगे? खाना खाने के लिए कहाँ? एनीबॉडी एनीबॉडी? हाँ खाना खाने लोको चलते हैं, है ना, लोको मामा का फेवरेट है। चलो 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 ओपीटीपी खिला देंगे, ओपीटीपी खिलाएंगे। हम लोग क्यों ना बुलाएं फाइव लिटिल मंकीज, हम भी फाइव हैं। हेलो फाइव लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन द बेड, One fell down and four are left. Mama called the doctor and doctor say, No more monkeys jumping on the bed. Acha, how about if you're happy as you know? If you're happy and you know, you clap your hands. If you're happy and you know, you clap your hands. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमा बीबी कहाँ है? साहब वो अपने कमरे में है, खाना लगा दूं? नहीं, मैं और रमा बीबी बाहर जा रहे हैं, खाना बाहर ही खाएंगे, तुम मत पको। जी ठीक है। क्या बात है, आज तो हमारी बेटी बहुत खुश लग रही है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। गई थी मम्मी के पास? जी अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा, तो फिर क्या बातें की? निम्रा आप ही से भी मिली होगी, खूब एंजॉय किया होगा, केक भी खाया? नखिल अंकल मेरे लिए नया केक लेकर आए थे। नया केक लेकर आया था नखिल? वही वाला जो मुझे पसंद है, जो अक्सर मम्मी मेरी बर्थडे पर लेकर आती थी, चॉकलेट वाला केक। बाबा जो आपने मुझे पैसे दिए थे ना, उनके मम्मा ने मुझे एक गिफ्ट लेकर दिए। बहुत अच्छे। और क्या किया? मैं जैसे ही वहाँ पहुँची ना, थोड़ी देर बाद नखिल अंकल आ गए। फिर हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम बाहर जाएंगे। बाहर गए? हाँ, हम गाड़ी में गए, हमने खूब शोर मचाया। और बाबा पता है, नखिल अंकल ने भी हमारे साथ पोएम पढ़ी और सॉन्ग्स गाए थे। हम प्लेलैंड भी गए थे और हम बर्गर शॉप पे भी गए, हमने आइसक्रीम भी खाई। और वो जो वो टेडी बेयर्स वाली गेम होती है ना, मैंने उसके लिए 2000 के कॉइंस लिए थे, मैंने सारे यूज कर लिए। मेरे 2 दफा टेडी बेयर्स निकले थे। और वो टॉफीज वाली होती है ना, वो भी मैंने काफी दफा ट्राई की थी,